हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपके सामने एक और बिल्कुल फ्रेश इंटरेस्टिंग और एकदम मसालेदार सी वीडियो, जहां पे आज प्रोडक्ट अनबॉक्स करके दिखाने वाला हूं। वो बहुत ही एक्साइटिंग है बजट सेगमेंट में और बहुत ही कमाल का इंटरटेनमेंट डिवाइस होने वाला है, कमाल का। जी हां, मैं जो अनबॉक्स करने वाला हूं वो आ जाता है हमारा फिलिप्स की तरफ से। बड़ा सा बॉक्स है, ये आप देख सकती है, फिलिप्स का 2.1 मल्टीमीडिया स्पीकर जो कि ब्लूटूथ स्पीकर है। आप इसको अपने पीसी से कनेक्ट कर सकते हैं, ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट वायर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। सारे फीचर्स इसमें इंक्लूडेड है, तो सब कुछ हम डिटेलिंग और सारी चीजें जानेंगे वीडियो में एंड तक। स्पीकर की क्या क्वालिटी है, क्या कंजम्पशन है, क्या चीज की प्राइसिंग जो है, सब कुछ डिटेल हम जानेंगे वीडियो में एंड तक। लेकिन उससे पहले अगर चैनल मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करिए, हिट कर दीजिए लाल कलर बटन को, और साथ ही बैकग्राउंड कलर में कर दीजिए, और साथ ही जो है बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इसका एक बिल्कुल ही फर्स्ट लुक। ही आप देख सकते हैं कमाल का लुक आपको देखने को मिल रहा है, जहां पे एक बिल्कुल ही सबवूफर दिया गया है और साथ में दो स्पीकर देखने को मिल जाते हैं, जो कि क्वालिटी सब कुछ हम चेकआउट करेंगे। बाकी जो है लेफ्ट साइड में डिटेलिंग देखी जाए, तो यहाँ आप देख सकते हैं डिटेलिंग कुछ स्पीकर्स के आउटपुट वगैरह, जो कि 31 आउटपुट जो है 31 वॉट का आउटपुट हमें देखने को मिल जाता है। उसके साथ में हमें देखने को मिल जाता है 2.1 स्पीकर सिस्टम, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है और कंटेंट वगैरह सब कुछ हम जो है बॉक्स ओपन करेंगे तब जानेंगे। बाकी प्राइसिंग इसमें तो आपको ज्यादा देखने मिलेगी, ऑलमोस्ट 6000 की, बट जो एक्चुअल प्राइसिंग है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और बाकी बाइलिंग वगैरह सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो फटाफट से करते हैं इसको अनबॉक्स, और कहां है हमारी ये जो फेवरेट रामपुरी है उससे करते हैं हम इसको अनबॉक्स। और ये हो गया हमारा बॉक्स ओपन। ये हो चुका है हमारा बॉक्स ओपन, और फटाफट से सबसे पहले तो हमारा ऊपर में जो है हमें 2.1 ये जो टू स्पीकर्स हैं वो हमें देखने मिले थे, तो वो हम निकाल लेते हैं फटाफट से। तो ये आप देख सकते हैं ये कंपार्टमेंट निकल गया, जहाँ पे सारे कंटेंट वगैरह हैं, इसमें भी हम चेकआउट करेंगे। और बाकी ये दो स्पीकर हमें देखने को मिल जाते हैं छोटे छोटे, तो ये सब हम देखेंगे। उसके साथ में जो है हमें नीचे सब ऊपर देखने को मिल जाता है, तो वो भी हम निकाल लेते हैं। ये आप देख सकते हैं ये निकल गया इसका सबवूफर, और साथ ही वायर वगैरह हैं, और साथ ही बॉक्स में कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। ये सब हटाते हैं साइड में और निकाल लेते हैं इसको रैपर से। तो ये जो इसका पूरा सिस्टम है, ये कंप्लीट सबवूफर वगैरह ये देखने को मिल जाता है, साथ में रैपिंग देखने को मिल जाती है प्लास्टिक की, और फिनिशिंग वगैरह सब कुछ बहुत ही कमाल की देखने को मिल जा रही है। मतलब ऐसा नहीं लग रहा कोई लोकल सस्ता सा जो है हम लेकर आए, तो मतलब बिल्ड क्वालिटी और फिनिशिंग वगैरह सब कुछ एकदम टिप टॉप और एकदम टॉप क्लास की होने वाली है। और साथ ही जो है हमें ये वायर कनेक्टिविटी के लिए देखने को मिल जाता है, और पीछे आपको वायर कनेक्ट करने के लिए ये दोनों सबवूफर दिए गए हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये दोनों सबवूफर दिए गए हैं, जो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ फटाफट से और देख लेते हैं कैसे जो है कनेक्ट होगा। ये सब कुछ ये वायर डायरेक्टली जो है प्लग होगा बैक में, और फिर जो है ये प्ले होता है, तो इसको भी निकाल लेते हैं अंदर। तो ये हमें दो स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं, तो ये आप देख सकते हैं ये मैंने इसको रख लिया साइड में, तो एक यहाँ हो गया एक यहाँ हो गया। इसकी भी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, बिल्कुल एक क्लीन फिनिश देखने को मिल जाता है, और डिजाइन भी बहुत ही डिसेंट सा और बहुत ही अच्छा देखने को लग रहा है, कि जहाँ पे बहुत ही सिंपल सा ब्लैक कलर में और अच्छा सा डिसेंट सा डिजाइन देखने को मिल जाता है, और सिंपलिस्टिक डिजाइन है, सीधे जो है नीचे रखा जाता है, और नीचे में पहले से ही ग्रिप लगा हुआ देखने को मिल जाता है नीचे में, जिससे कि जो है इधर उधर हिलता नहीं है, तो ये हमें देखने को मिल जाता है। बाकी अब हम इसको जो है एक्सेसरीज देख लेते हैं क्या क्या हमें देखने को मिल जाता है। तो वो एक्सेसरीज में देखें, सबसे पहले तो हमें ये यूजर मैनुअल वगैरह देखने को मिल जाता है, इसमें कनेक्टिविटी वगैरह देखने को मिल जाएगा। उसके साथ में हमें ये एक देखने को मिल जाता है, ये केबल दिया गया जो ऑक्स केबल होता है, ये हमें देखने को मिल जाता है, तो अच्छी क्वालिटी का देखने को मिल जा रहा है। और साथ ही जो है ये एंटीना वाला हमें देखने को मिल जाता है पॉइंट, ये आप देख सकते हैं केबल अलग से दिया गया है। और उसके साथ में हमें ये एक जो है ये वायरलेस रिमोट देखने को मिल जाता है, तो ये चीज़ भी जो है हमें देखने को मिल जाएगी, बट हाँ इसके अंदर हमें बैटरी देखने को नहीं मिलती है, तो इसमें आप जो है ट्रिपल ए बैटरी लगा सकते हैं दो पीस, तो वो अलग से लगाना पड़ेगा, इसके अंदर बॉक्स में नहीं आती है। तो ये दिया गया, ये थोड़ा सा डिसेंट और बहुत ही अच्छा लग रहा है, कॉम्पैक्ट सा छोटा सा रिमोट लग रहा है, जो इस टाइप का सोनी में भी है, बट इससे थोड़ा सा डिसेंट और लगता है, बट हाँ बहुत ही अच्छा सा क्लासी फिनिश दे रहा है, जैसे टीवी का रिमोट हो, एकदम मिनी वाला टीवी रिमोट हो, तो वैसा भी लुक देखने मिल जाता है। नंबर्स वगैरह दिए हैं, और मोड वगैरह चेंज करने के लिए है, चैनल वगैरह ट्यून वगैरह चेंज करने के लिए सब कुछ, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह सब देखने को मिल जाती है। तो हम करते हैं स्पीकर को जो है
वायर से कनेक्ट जो है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसको कर लिया कम्प्लीटली कनेक्ट। तो सबसे पहले हम इसके कुछ डिटेल फीचर हम देख ले। तो यहाँ आप देख सकते हैं सामने में कंप्लीट डिटेलिंग देखने मिल जाती है, वॉल्यूम वगैरह के लिए, मोड चेंज वगैरह करने के लिए सब कुछ डिटेलिंग देखने मिल जाती है। और ये इस समय पावर ऑन हो चुका है प्लगइन। तो लाइटिंग आप देख सकते हैं सामने, एक छोटा सा मिनी डिस्प्ले भी देखने में मिल जाता है, ऑलमोस्ट शायद 1.5 से 2 इंच का डिस्प्ले दिया गया छोटा सा, जिसमें इंडिकेट करता है सब कुछ डिटेलिंग क्या आपका प्ले हो रहा है। और साथ ही जो है वॉल्यूम वगैरह के लिए भी हमें डिटेलिंग देखने मिल जाती है, आप देख सकते हैं स्कैन कर सकते हैं साउंड वगैरह वॉल्यूम के लिए। और साथ ही जो है हमें ये ऊपर में USB पॉइंट भी देखने को मिल जाता है, जहाँ पे अगर आप USB वगैरह भी प्लग करते हैं पेन ड्राइव वगैरह तो वो चीज़ आप प्ले कर सकते हैं। बाकी पीछे एकदम बैक बिल्कुल ही सिंपलिस्टिक डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। तो ये आप देख सकते हैं पीछे बिल्कुल ही सिंपली डिज़ाइन देखने को मिल जाता है सिंपल सा। तो ये हो चुका है कम्प्लीटली करेक्ट। और ये आप देख सकते हैं दोनों स्पीकर्स है। तो फोन को करते हैं फोन से कनेक्ट करते हैं, बाकी रिमोट हमें ये देखने को मिल जाता है। इससे भी आप बिल्कुल कम्प्लीटली वायरलेस रिमोट से जो है आप कम्प्लीटली ऑपरेट कर पाएंगे ये चीज़। तो अभी हम कनेक्ट करते हैं पहले फटाफट से, और इसको मोड को ब्लूटूथ मोड में ऑन करते हैं। तो जब आप सोर्स पे क्लिक करेंगे तो आपका ये आप देख सकते हैं BT करके लिख कर आ रहा है, मतलब ब्लूटूथ मोड ऑन है। तो अब मैं इसको सर्च करके जो है फटाफट से कनेक्ट कर लेता हूं। तो देखते हैं किस नाम से आता है, फिलिप्स के नाम से आना चाहिए। तो फिलिप्स का आप ये देख सकते हैं मॉडल नंबर के साथ में आ रहा है MMS 2625B करके, ऐसे इसका मॉडल नंबर है। यस, तो ये हमें देखने को मिल जाता है। बाकी बाइलिंग आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो मैं इसको कनेक्ट करता हूँ कनेक्ट, और सॉन्ग्स देखते हैं कौन सा हम प्ले कर सकते हैं जिससे कॉपीराइट वगैरह ना आए। तो वो हम देखते हैं, नॉन कॉपीराइट सॉन्ग्स प्ले करते हैं। साउंड टेस्ट किया, कई वैरायटी के सॉन्ग्स भी प्ले किए, कॉपीराइट वाले भी प्ले किए, बट आपको मैं सुना नहीं सकता था। तो बेस की क्वालिटी एकदम टॉप क्लास की देखने को मिल गई है, मतलब मैं कंप्लीटली सेटिस्फाइड हूँ इसके बिल्ड क्वालिटी से, इसके साउंड क्वालिटी से। लाउडनेस भी बहुत ही अच्छी है, बेस बहुत ही अच्छा है, सॉफ्टनेस भी मेंटेन किया फिलिप्स ने बिल्कुल उसी तरीके से जिस हिसाब से साउंड को और बेस को मेंटेन किया है। तो बिल्कुल सॉफ्टनेस भी बिल्कुल उसी तरीके से, साउंड बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा फुल साउंड पे कि थोड़ा सा भी फटने वाला टोन आ रहा है, तो बिल्कुल भी नहीं वैसा है। कंप्लीटली बहुत ही सॉफ्ट साउंड हमें देखने को मिल जाता है, और साथ ही मैं कंप्लीटली सेटिस्फाइड हूँ इसके प्राइस रेंज को भी लेकर। तो कंप्लीटली मैं आपको प्राइस बता देता हूँ इसका, जो एक्स का एक्चुअल प्राइसिंग पड़ा है बाइलिंग का आपको नीचे देखने मिलेगा, जो कि इसको 2900 में जो है इसको कंप्लीटली परचेस किया है। बाइलिंग नीचे दिया गया अमेजोन का, तो वहां से जाके आप परचेस कर सकते हैं। एंड सच में ये 2.1 का सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है शायद, क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी कमाल की देखने को मिल जा रही है। साथ ही फिलिप्स कंपनी ने जो है साथ ही सभी चीजें को मेंटेन किया बैलेंसली उसी प्राइस के हिसाब से, जैसे कि आपका साउंड हो गया और सॉफ्टनेस हो गई और लाउडनेस हो गई, सब कुछ देखते हुए बेस को क्लियरिटी देते हुए। हाँ, एक चीज बहुत लोग डाउट होगा कि इसमें बेस आप कम कर सकते हैं कि नहीं, जी नहीं, इसमें आप बेस आप कम नहीं कर पाएंगे, जो भी होगा आपके फोन से होगा। इसमें मतलब स्पीकर सिस्टम में आप बेस अप डाउन नहीं कर सकते हैं, तो जो भी है बाय डिफॉल्ट सेट किया गया है, तो वो चीज़ हमें देखने को मिल जाती है। बाकी आप मोबाइल से अगर आप कनेक्ट कर सकते हैं तो वो चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है सेटिंग्स वगैरह में जाके। और लाउडनेस बहुत ही अच्छी है, सॉफ्टनेस अच्छी है, और साथ ही जो है ट्रेबल वगैरह जितने भी पिच वगैरह है सब कुछ मेंटेन्ड है अपने लेवल पे। तो कमाल का और एक बजट सेगमेंट में एक अच्छा सा ऑप्शन देखने मिल जाता है 2900 में, शायद इससे बेस्ट ऑप्शन शायद ही कोई हो, एक ब्रांडेड और एक अच्छा ऑप्शन। बाकी मैंने एक और मतलब होम थिएटर का मैंने अनबॉक्सिंग किया था, जो कि 5.1 बेस है, ये 2.1 चैनल है, वो मैंने 5.1 चैनल बेस किया था। तो उसकी आपको अनबॉक्सिंग आई बटन देखने मिलेगी, वो भी एक अच्छा डिसेंट सा हमें स्पीकर सिस्टम देखने को मिल जाता है। तो वो चीज़ आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी ये था इस वीडियो में इस फिलिप्स का MMS 2625B, बहुत ही लंबा मॉडल नंबर है। बाकी जो है आप फिलिप्स के 2.1 चैनल से सर्च करेंगे तो भी आपको देखने को मिल जाएगा।
तो डिजाइनिंग आप देख सकते हैं सामने बिल्कुल ही डिसेंट सी है, मतलब हर तरीके से जो है सेटिस्फाइड है इसकी प्राइस रेंज को लेकर, इसकी बिल्ड क्वालिटी को लेकर। तो यही था इस वीडियो में फिलिप्स का 2.1 मल्टीमीडिया स्पीकर सिस्टम। तो वीडियो पसंद है वीडियो को एक थम्स अप लाइक कर सकते, साथ ही चैनल पे अपने चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर देगा, हिट कर देगा उस बेल करके आइकन को, और साथ ही जो है ग्रे करके जो है बिल्कुल चाहिएगा सब्सक्राइब बटन, नहीं करते हो बाकी सब कुछ हो जाता है लेकिन आपको सब्सक्राइब नहीं होता, तो बिल्कुल फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही आपके कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो बिल्कुल बेचक नीचे कमेंट सेक्शन में उसे कमेंट कर दीजिएगा, साथ ही जो है अपने प्यारे प्यारे से जो है कमेंट करके इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा सभी प्लेटफॉर्म। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।